बिहार विधानसभा के शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पर्चा दर्ज किया। इस दौरान कई प्रत्याशियों के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गज नेता भी दिखाई दिए। इस कड़ी के बीच बरबीघा विधानसभा नेशनल कांग्रेस पार्टी में बदलाव देखने को मिला। नेशनल कांग्रेस पार्टी से दो उम्मीदवारों ने एक ही विधानसभा बरबीघा से नामांकन कराया। पहला नामांकन नवीन कुमार ने 7 तारीख को करवाया, जबकि दूसरा नामांकन एनसीपी के ही अजय कुमार ने करवाया है। अजय कुमार और एनसीपी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि फर्जी तरीके से नवीन कुमार के द्वारा एनसीपी पार्टी से नामांकन कराया गया है, जिसका कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। नहीं, हम नहीं जानते उसको कौन है, नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम जो है आज कल जो है अपना जो है टिकट लेके हम प्रदेश अध्यक्ष मेरे मौजूदगी में जो है प्रदेश में जो है अजय कुमार को टिकट दिया गया बरबीघा विधानसभा 170 से, और कल दिया गया। आज मैं जो है नॉमिनेशन उनके साथ रह के करवाऊँ। तो उसको भी तो पार्टी का सिंबल मिला होगा। गलत है, हम नहीं जानते उसको। प्रदेश अध्यक्ष मैं, जिला अध्यक्ष मैं हूँ। कल सुबह में जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के मौजूदगी में मुझे सिंबल मिला। किस पार्टी से? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से, बरबीघा विधानसभा के लिए। तो मैं आज नामांकन कराया हूँ। क्या मुद्दा है? मुद्दा तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सात निश्चय, ये सब भ्रष्टाचार तो बढ़ा हुआ है। एनसीपी से एक और लोग करा लिए हैं बरबीघा से। मुझे पता नहीं वो कहाँ से कैसे लाए क्या किए, लेकिन मुझे जो मिला, मेरे साथ जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी में किसी को जानकारी नहीं है? नहीं। के लिए लोक जनशक्ति पार्टी में सबसे पहली बात है, आज मेरा नामांकन है। चुनाव मैदान में हम पहली बार आए हैं। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी हमने 23 साल किया है, 87 से 2009 तक जिला अध्यक्ष से लेकर सारे पदों पर। फिर लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से पुराने घर का भी सहयोग लोग के चुनाव को निकालेंगे। और बरबीघा में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, प्राथमिकता ये है कि उन दोनों लोगों को लोगों ने देखा है। 2010 को एक, 2010 से 15 के पीरियड में एक को देखा है, और 15 से 20 के पीरियड में दूसरे को देखा है। तो लोगों ने दोनों को देख लिया है। हम अपने कर्म और कर्मठता से यहाँ तक पहुँचे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने मुझे विश्वास दिया, मुझ पर भरोसा रखा है। निश्चित तौर पर बरबीघा में विकास का जो भी छोटी से बड़ी योजना है, जैसे सबसे है कि हर खेत को पानी मिले, इसके लिए मेरे पूर्वज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने जो नहर का जाल बिछाया था, उसमें पुनः पानी घर घर पहुँचे, हर खेत को पानी मिले, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त है और उसे अंडरग्राउंड केबल वगैरह दे के दुरुस्त करना, सघन आबादी वाले एरिए में जो न्यूनतम लोगों का है कि एक सेवक के रूप में जो संभव हुआ वो उनको न्यूनतम सुविधा, अभी उससे वो वंचित हैं, उनको सुविधा दिलाना।